सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड कैसे हैं आप लोग? आज दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिन की शुरुआत में काम वही है, बस दिन नया है और काम एज इट इज़ वही रहते हैं मॉर्निंग के सारा दिन। अभी तो सबसे पहला काम जो होता है बिस्तरे समेटने का, उसके बाद किचन में जाओ, नाश्ते की तैयारी करो। और मनु की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। और ये ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कुछ भी नहीं बोलता है, बोलता है तो तब जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, बाय मैम। इसका यही काम है पढ़ाई करने के टाइम पे। एंड मम्मी का पूजा पाठ खत्म हो गया है तो मम्मी फाइनली पूजा पाठ करके आ चुकी है, भगवान जी को फ्री कर दिया है। नहीं तो 5 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक मम्मी भगवान को इतना परेशान करती है ना, बहुत ज्यादा। तो एक्सेल नहीं है क्या? एक्सेल है ना, ऐसा थोड़ी होता है। एक्सेल है, एक्सेल किधर है? उसमें जाना माइक्रोसॉफ्ट, उसमें MS, उसके उसमें ऑफिस में। तो मैं इसको एक्सेल ढूंढ के देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है वो, एक्सेल भी होगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सारा होते हैं। सर्च मार दे नीचे एक्सेल। अरे यार ये तो आटा आया हुआ था तो मेरे को डलवाना था पापा से, नहाने चले गए पापा, अब मुझे ही डालना पड़ेगा। तो पहले आटा गूंद लेती हूँ, ठीक है? अब क्या सिंगिंग क्लास चल रही है तेरी? सिंगिंग क्लास चल रही है जो गाने गा रहा है? नहीं। फिर प्रातःकाल सुबह 8 बजे गाइस, तो मुझे अभी भी पता चला है कि मेरी मेड नहीं आ रही है, उसे फीवर हो गया, 2-4 दिन आएगी नहीं। तो मुझे घर के सारे काम, मतलब टोटली कल जो मैं छोड़ भी देती थी ना, वो भी करने ही पड़ेंगे। और आज पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है। क्या करे भाई, इंसान है, बुखार तो हो ही जाता है। क्यों? मैं पोयम करवा रही हूँ यार। तो पोयम कर ले। अरे वो वाली पोयम नहीं, मैं सुन रही है वो कवि सम्मेलन के लिए, मैंने कुछ तैयार ही नहीं किया। मम्मी यहाँ पे पोछा लगा रही है। आपको वो स्टेप्स याद ही होगी तो मैंने कहा था, वरना मैं बहुत ज्यादा पिटूंगा। याद है वो स्टेप्स? अगर नहीं याद है और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो हम फिर से बता देते हैं कि पहला स्टेप, हमें 10 मिनट तक बेड से नीचे नहीं उतरना। और दूसरा बेड और दूसरा स्टेप कि हमें मम्मी को गुस्सा नहीं दिलाना, क्योंकि अगर मम्मी को गुस्सा आ गया तो मम्मी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आज मेड नहीं आई है, कल भी नहीं आई थी। ऐसे बच्चे को थोड़ी ना मारते होते हैं, इतना प्यारा था छोटा। अच्छा मुझे लगा मेरे को मार रही हो। जैसा शैतान औलाद किसी की नहीं है। इतना प्यारा बच्चा हूँ मैं, शैतान हूँ। शक्ल दिखाइयो अपनी प्यारी वाली कहीं है। सो फ्रेंड्स बताओ, मैं शैतान हूँ या प्यारा बच्चा हूँ? बम का गोला। ठीक है, मैं ऊपर बैठ जाता हूँ भाई, मेरे को पिटना नहीं है। तो 11:30 बज चुके हैं और अब झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और अभी घर के थोड़े से काम पड़ने के, किचन में जाऊंगी बर्तन धोने, क्योंकि मम्मी ने बनाई है सब्जी और ब्रेकफास्ट आज मम्मी ने बना दिया। एंड यहाँ देखो, ये हमने बनवाया था कि साज सजावट के लिए अच्छा लगेगा घर पे, ऐसे बना होता है ना सबके घर में ऐसे, और ये हमारे घर में बना रहता है बिजली घर। और ये इसने अभी लगाई है ऑनलाइन क्लास, तो लैपटॉप यही है उसका, जो है हेडफोन यही पड़ा है। ये ऐसे काम करते हैं, मतलब यार मम्मा काम कर रही है तो थोड़ी हेल्प करानी चाहिए, सबको पता होना चाहिए ना कि कितनी हेल्प कराते हैं। और मदर्स डे पे लिखेगा, मम्मा आपको कोई काम है तो मैं करा दूं क्या, आज मदर्स डे है, बताओ। ऐसा लगता है जब आपको बुखार होता है तभी करता हूँ, जब आपको जब आगे करने में दर्द होता है तभी आपके काम करता हूँ। तो डेली करा दे, मेड नहीं आई तो भी मैं
दिक्कत होती है तो करवाना चाहिए ना। दोपहर 12 बजे तो टाइम हो चुके हैं 2:15 और आज मुझे जाना था कहीं काम, तो मैं जा रही हूँ अभी अपने भतीजे के साथ। किट्टी विट्टी है मेरी उसकी, तो उसके लिए हॉल बुक करना था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से जाऊँ। तो मैंने ऐसे नाइट सूट पहन रखा, तो इसी में चल जाती क्योंकि घर के पास ही है, थोड़ी सी दूर पे है, तो क्या अभी सज धज के जाना, तो मैंने कहा चलो यहीं पर अभी ऐसे ही चल जाते हैं भाई ध्यान से। तो फटाफट जाके बुक करके आते हैं, क्योंकि 2-3 हॉल पर ना ऐसे कॉल करके पता किया तो वो ऑलरेडी बुक थे, तो अब जाकर के एक बार पता कर लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा सारा स्केड्यूल जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है सब फ्रेंड्स ने मिलके। कैसे आप सब लोग? तू ना पिट जगह मेरे से, तेरी हरकत हो रही है पिटने वाली, पर इतना मक्खन ना लगाया कर ज्यादा बदतमीज, मैं चप्पल मारूंगी जूते निकाल मारूंगी गंदी औलाद। गौर से देखिए इन औरत को भी कैसे अपने बच्चे को डांट रही है, हरकतें ऐसी करता है यार, इसकी हरकतें भी देखो खाने पीछे जब मैं चित पर क्यों मैं मार दूंगी देखो बदतमीज गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। ये देख लो, देख लो ऐसा मक्खन लगाया जा रहा है, ऐसा मक्खन लगाया जा रहा है मेरा प्यारा बच्चा। इधर सो गाइस, तो शाम के 4 बज चुके हैं और इसका ट्यूशन टाइम हो गया, जा नहीं रहा क्योंकि मैं चाय पी रही हूँ, तो इसको चाय में एक बिस्किट डिप करना ही था, तब तक इसका ना पेट भरता नहीं। बिस्कुट और पड़ेंगे बेटा दियो वहां से। और तो सभी अभी चाय पी रहे हैं, सभी लोग बैठ के इवनिंग टी, सर्दी है ना इसलिए गर्मियों में नहीं पियेंगे, मैं तो नहीं पीऊंगी गर्मियों में, छोड़ दूंगी। तो यहाँ मन्नू के पीछे भागते हुए इसके पापा, आजा पानी की बोतल दूं तेरे को, मैं कहाँ बोतल दे इसकी, ये नहीं है वो, कौन सी नहीं है, यही 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 भर दो फिर, दो बार बोलना पड़ता है, इसका मन नहीं करता ट्यूशन में जाने का, किस दिन पिटेगा तू पापा से। हाँ अमिताभ बच्चन अपनी निकाल ले वही बहुत है। सो तो सब चले गए, जाना ही था भैया, मनु चला गया ट्यूशन, मम्मी चली गई वॉक पे, शाम को वॉक पे जाते हैं, और हस्बैंड चले गए शॉप पे, पापा भी शॉप पे, मैं आ गई किचन में, जिसकी जो जगह है वो वहाँ चला गया है और मेरी जगह है किचन में, और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं ये फिर से यही बर्तन जिनको मैं सुबह 3 बार धो के जा चुकी हूँ, चौथी बार फिर से ये गंदे हो गए, और फिर इन्हें नहलाओ धुलाओ फिर रखो, फिर शाम को फिर नहलाओ धुलाओ, सारा दिन यही काम करो। तो मेरा स्थान जो है किचन में, मैं सबसे पहले इनको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर घर के काम, कपड़े वपड़े समेटना, और जो मैंने किटी पार्टी के लिए हॉल बुक करना था ना वो मैं बुक कर आई। एंड अभी ना मुझे पब्लिक प्लेस पे ना वीडियो शूट करने में थोड़ी सी शर्म सी आती है, यू नो आई एम सो शर्मीली लड़की, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोली जा रही, तो फिर ना मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया, मुझे ऐसे थोड़ा सा एम्बेरेसिंग सा लगता है। अभी धीरे 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 मैं हैबिट बनाऊंगी, क्योंकि अब मैं शुरू कर रही हूँ ना व्लॉग करना, तो मुझे पब्लिक प्लेस में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं हो पाता। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जब मेरे बहुत सारे व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो मैं पब्लिक प्लेस में भी बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि फिर वो होता है ना कि हाँ मुझे मोटिवेशन मिल रहा है आपका। सो तो अभी मैं घर के अंदर ही बनाती हूँ, तो अभी मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं कपड़े समेट लेती हूँ, फिर मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद मनु आ जाएगा, उसको थोड़ा बहुत पढ़ा दूँगी, और पढ़ाने के बाद फिर मैं जो मेरी दूसरे चैनल के लिए, आज थोड़ी सी मेरी वॉइस ठीक हुई है तो मैं दूसरे चैनल के लिए वीडियो भी बनाई है, तो उसको एडिटिंग करना है, उसको पोस्ट करना है, एंड बहुत सारे काम हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। एंड मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, घर की 4 दीवारी में बंद रह कर मैं ऑल ओवर बहुत सारा काम कर लेती हूँ, बिकॉज वुमेंस एम्पावरमेंट। या शाम 5 बजे रात टू में डबल हो होते हैं, टू लेकिन टू जैसे कि हेल्प, जैसे कि हार्ड वर्किंग एंड हेल्पफुल टू,
शाम के 7:30 बज गए हैं और जब मैं इसको पढ़ा रही थी ना तब से मेरा सर खाने लगा हुआ है। मम्मा समोसा खाने का मन कर रहा है, मम्मा ब्रेड पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, यार मैं इसको रोज रोज कहाँ से चटपटी चीज़ें खिलाऊँ। फिर मैंने पूछा मैगी खाएगा, कहता है ऐसे खा लूँगा। अंदर से फूट रहे थे लड्डू क्योंकि इसको चाहिए ऐसी चटपटी चीज़ें, मैगी समोसा ब्रेड पकौड़ा पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें बनाऊँ तो ठीक है, और पेट ऐसे फूलता जा रहा है जैसे पता नहीं क्या घड़ा। और यहाँ पे मैंने उसके लिए रखी हुई है मैगी बनाने के लिए, तो बॉईल करके सूप वाली मैगी वो खाता है। एंड अब मैं यहाँ पर उसके लिए, मतलब उसके लिए नहीं सबके लिए बना रही हूँ दाल, फटाफट से दाल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद फ्राई व्राई करके फिर इतने में डिनर का टाइम हो जाएगा, सब आ जाएंगे तो डिनर करना है। ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है, काम 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 काम। ये लो सर मैगी। थैंक यू मम्मा। भूख लग रही है, मुझे टेस्ट कराएगा? भूख लग रही है। कितना गंदा है भाई, भूख लग रही है, आप अपनी खिलाने खा लो। भूख लग रही है। सो गाइस, तो दाल यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है और अब मैं फिर से करने वाली हूँ बर्तन, क्योंकि फिर से यहाँ पर बर्तन जुटे हो गए हैं। अभी दाल को तड़का लगाया है, उसके दाल बनाई है, मैगी बनाई है मन्नू के लिए एंड पापा का लंच बॉक्स। तो थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं, मैं साथ के साथ धो लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो जाए, क्योंकि धोने तो देखो मुझे ही है। सो गाइस, तो अभी मैं खा रही हूँ मुलट्ठी, और मुलट्ठी जो होती है वो गले के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सो तो मुलट्ठी और मिसरी, क्योंकि मुलट्ठी का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा बिटर होता है, कड़वा होता है, तो मैं इसे ले रही हूँ मिसरी के साथ, जिससे कि मेरा थोड़ा गला ख़राब था ना वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एंड वंस अगेन फिर से बर्तन जूठे हो गए हैं जो रात के डिनर के हैं, मतलब ये फाइनल नहीं है क्योंकि इसके बाद दूध बनेगा और दूध के बर्तन फिर से धोने पड़ेंगे। तो फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, डिनर विनर हो गया, उसके बाद बस दूध बनाना है और फिर सोना। रात 11 बजे तो गाइस, तो 11 बजने वाले हैं, आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। घर पे सारे काम वाम हो चुके हैं, फाइनली आप मुझे बताना कि मैंने आज कितनी बार बर्तन धोए, जितनी बार भी मैंने धोए आप लोगों के सामने मैंने दिखाया, और अभी ये लास्ट एक बार वो धोने हैं, इसको भी काउंट कर लेना। सो तो आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ व्लॉग अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।